नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोमेंद्र कुमार, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन, और आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। जब भी आप या आपका कोई परिजन असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है, उस परिस्थिति में उसके इलाज में काफ़ी खर्च आता है और मरीज का फलाफल क्या होगा इसमें भी अनिश्चितता बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में सबों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। तो इस टॉपिक पर अखबार में एक खबर आई कि गंभीर बीमारी ने अब सरकार देगी 10 लाख। इस खबर से मुझे लगा कि इसको थोड़ा विस्तार रूप से बताकर मैं आप लोगों को कुछ शायद मदद कर पाऊँ। तो इसमें सबसे पहले मैं इस पूरे खबर को आपको सुना देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको क्या करना होगा। तो ये खबर है कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। ये एक बहुत बड़ी रकम है और स्वास्थ्य विभाग ने इसे संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। योजना के तहत लगातार 3 वर्षों तक 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले व्यक्तियों को असाध्य रोग होने की स्थिति में सहायता प्रदान की जाएगी। और तो इसमें एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया ये है कि पिछले 3 वर्षों में आपकी जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और इसका प्रमाण पत्र आपको अपने प्रखंड कार्यालय से देना होगा। अगला बात इसमें ये है कि पूर्व में योजना के तहत केवल कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, हृदय गंभीर हृदय रोग एवं इस एसिड अटैक से प्रभावित व्यक्तियों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता का नियम था। उक्त चारों के अलावा अन्य असाध्य रोग होने या 5 लाख रुपये से अधिक खर्च होने पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति लेना पड़ता था। इससे रोगी को समय पर राशि मिलने में परेशानी होती थी। अब स्वास्थ्य मंत्री के स्तर पर 10 लाख रुपये तक की स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। वहीं 5 लाख रुपये तक चिकित्सा अनुदान की स्वीकृति संबंधित सिविल सर्जन के स्तर से ही की जाएगी। और इसमें जो है 21 असाध्य रोगों को इस सूची में शामिल किया गया है जिसको वित्तीय सहायता मिलेगी। और ये रोग आपके हैं जिसमें विस्कॉट एल्ड्रिज सिंड्रोम है, थैलेसीमिया है, ब्लड डिस्क्रेसिया है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, प्लास्टिक सर्जरी, रेटिनल डिटैचमेंट, सिर पर गंभीर चोट व क्रिटिकल केयर, कोरोनरी आर्टरी बाईपास, कंटिन्यूस रेनल रिप्लेसमेंट थेरापी जो किडनी पेशेंट्स के लिए करना पड़ता है, और इसोफेजियल फिस्टुला, ऑपरेशन ऑफ ट्रैकिया, मेनिंगो इंसेफेलाइटिस सर्जरी, पेनेट्रेटिंग किराटोप्लास्टी जो आँख की सर्जरी है, ब्रेन हेमरेज, कॉन्जेंटाइबल हेमरेज, कोहलर इम्प्लांट, डुकेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और जुवेनाइल एनजियो फाइब्रोमा। तो ये सारे जो हैं रोग इस सूची में शामिल किए गए हैं। अब मैं बताता हूँ कि इस प्रक्रिया में इसका लाभ लेने के लिए आपको करना क्या है। तो देखिए, ये जो भी सहायता राशि है तो इसमें किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए सरकार ये राशि सीधे उस अस्पताल को भेजती है जो कि मरीज़ का इलाज करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस भी अस्पताल में इलाज कराना है, जो सूचीबद्ध अस्पताल हैं इस योजना के तहत, आपको उसमें मरीज़ को ले जाकर उसका प्रॉपर डायग्नोसिस बनवाना है और उसके इलाज से संबंधित क्या प्रक्रिया होगी और उसमें कितना अनुमानित खर्च आएगा इसका एक एस्टीमेट बनवाना है। और अस्पताल जब वो एस्टीमेट दे देगा, प्रॉपरली साइंड एंड स्टैम्प्ड एस्टीमेट, उसको लेकर आपको अपने सिविल सर्जन कार्यालय में एक फॉर्म के साथ जमा करना है। तो अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं तो आप नज़दीक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रहते हैं उनके कार्यालय से एक आपको असाध्य रोग का फॉर्म लेना है, उसको भरना है। उसमें डिटेल्स जो भी आप एक आपका नाम, पता, उम्र और मरीज को क्या रोग है ये सब भरना रहता है। तो मरीज़ का डायग्नोसिस आपके एस्टीमेट में भी लिखा रहता है और ये आपके डॉक्टर आपको भर देंगे। उसके ये सारा भरने के बाद आपके प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी उसको अग्रसारित करते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स का मिलान करके, और प्रखंड कार्यालय से आपको ये एक प्रमाण पत्र लेना होगा
कि पिछले 3 वर्षों में आपकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। ये फॉर्म जब भर देना, उसके बाद आपको सिविल सर्जन कार्यालय में इसको जमा करना है। सिविल सर्जन कार्यालय में उपायुक्त महोदय डीसी सर की अध्यक्षता में 3 या 4 सदस्यीय कमेटी सारे जितने भी फॉर्म आते हैं असाध्य रोग की उसकी स्क्रूटनी करती है, मिलान करती है, और अगर सब कुछ ठीक पाया गया तो आपके लिए वो राशि सैंक्शन की जाती है। और संबंधित अस्पताल को जब आपका इलाज, पेशेंट का इलाज होता है, तो उसको ये राशि भेजी जाती है। जहाँ तक 10 लाख रुपए की बात है, तो वही चीज़ जब 10 लाख रुपए देना है तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ जाएगी और उनके कार्यालय से ये जब स्वीकृत हो जाएगी राशि, तो सीधे उस अस्पताल को राशि दी जाती है जिस जो आपका इलाज करके और इसमें आपकी मदद कर रहे हैं और आपको इस तरह के गंभीर असाध्य रोग से बचाते हैं या आपके लाइफ को थोड़ा सुखमय बनाते हैं। तो ये थी असाध्य रोग से संबंधित जानकारी की बातें। प्रक्रिया में समय समय अनुसार कुछ परिवर्तन होते रहता है, लेकिन बेसिक जो प्रक्रिया है जो असाध्य रोगियों के इलाज में सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाती है वो यही है। मुझे लगता है कि अगर आपके आसपास या किसी को भी इस सहायता राशि की आवश्यकता है तो आप उसे ये जानकारी दें ताकि वो इसका लाभ उठा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।